अब देखिए चुकंदर किस तरीके से उगा हुआ है हमारे खेत में। ये देखिए ये चुकंदर लगा हुआ है पूरा। हम इसको उखाड़ के इसका जूस बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे और बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पर, और दिखा देते हैं आपको। और सबसे ज़्यादा इससे हमारा HB लेवल बढ़ जाता है अगर हम इसको सब्जी में, सैलेड में, जूस में, किसी भी फॉर्म में हम अगर इसको यूज़ करें। अब हम इस बीट रूट को मैंने छील लिया है और इस बीट रूट को हम किस तरीके से ग्रेट करेंगे। अब ये देख लीजिए आपके पास में ग्रेटर होगा ही और आपको धीरे धीरे इसको ग्रेट करना है। ये देखिए मैंने कितना सारा ग्रेट करके रखा हुआ है। हमें चुकंदर को छील कर ग्रेट करना है और आपके पास में ग्रेटर होगा तो ग्रेट कर लीजिए आप उसको इस तरीके से। ये देखिए ऐसे करके आप ग्रेट कर लीजिए। दोबारा बना इसको हटा के। और साथ में हमने दो तीन चीजें और कट कर ली हैं, जैसे बीट रूट का मैंने जूस निकालना है, साथ में मैंने टमाटो भी यूज करना है और ऑरेंजेस भी यूज करने हैं। ये देखिए अब हमारा बीट रूट रेडी हो चुका है। कुछ टमाटर लिए हैं और ऑरेंजेस लिए हैं, ये मैं बीट रूट के जूस में मैं ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने बीट रूट को ग्रेट भी कर लिया है। ग्रेट करेंगे तो बहुत अच्छे से जूस निकल आ पाता है। अब हमने एक जूसर लिया है, इस जूसर के अंदर हम बीट रूट जो हमने ग्रेट करके रखा है वो डाल देंगे। ये देखिए साइड से इसका स्क्रैप निकल रहा है और नीचे ये जूस इकट्ठा हो चुका है। इस तरीके से आपको बनाना है। ये हम बिल्कुल रियल जूस बनाएंगे जिसमें ना तो कोई प्रिजर्वेटिव होगा ना ही चीनी डालेंगे हम। ये देखिए हमारा जूस बनकर तैयार होने वाला है। ये देखिए पूरा का पूरा ग्लास बनकर तैयार हो गया है और इस ग्लास को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अभी हमारा जूस बनकर तैयार और इसमें अब हम डालते हैं थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि ये जो जूस होता है वो थोड़ा सा आपको टेस्ट में कम अच्छा लगेगा, तो इससे काला नमक से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम इसमें चीनी वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे और हमारा जूस रेडी। बेटा आप ये जूस पी रहे हो, कैसा लग रहा है टेस्ट में? बहुत अच्छा है, ये बहुत टेस्टी है और हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। इस तरीके से बच्चों को पिलाएं, सबको पिलाएं, फैमिली में हेल्थ मेंटेन करके रखेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।